अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सजाद हुसैन शाह काजमी। इस वक्त मैं मरी के मकाम पे मौजूद हूँ और मैं जा रहा हूँ आज़ाद कश्मीर। मैंने सोचा कि साथ साथ आपको भी इंटरटेन करता हूँ, तो मैं आपको आज कश्मीर की सैर कराऊँगा। वीडियो मुकम्मल देखें और वीडियो देखने के बाद अपने राय कमेंट में ज़रूर दिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो मिल सके। अगर आपने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको फेसबुक पे भी नई नई वीडियो मिल सके। तो वो चलते हैं टूर की तरफ। We'll be right back.
अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो अभी मैं इस वक्त कोला से पुल क्रॉस करके कश्मीर की हदूद में दाखिल हो चुका हूँ। ये कोला के लिए बड़ी है, जहाँ से इस पुल कोई बंदा क्रॉस करे तो यहाँ से कश्मीर की हदूद शुरू होती है। इंशाल्लाह लेके चलते हैं। ये दरिया है, यहाँ से हम गुजर के आ चुके हैं। सामने पुल है, ये सामने सारा मरी का इलाका है। ये बहुत दूर तक आगे मरी जा रही है, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद आता है ये। तो ये दरिया से जो इस साइड पे जो एरिया है, ये आज़ाद कश्मीर में आ रहा है। यहाँ से आज़ाद कश्मीर की हदूद शुरू हो जाती है। चलते हैं आगे। अब हमने दरिया के साथ साथ चलना शुरू कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है इस दरिया का। और हमने इस दरिया के साथ साथ चल के ही जाना है। ये जहाँ से हम आए हैं, ये फ्लैग है पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर का। फिर आगाज़ करते हैं अपना सफ़र का। चश्त नगर का मुकाम है आज़ाद कश्मीर में। ये पॉइंट है, ये देखें, ये लिफ्ट वाला सिस्टम है। ये लिफ्ट है, यहाँ से ये दरिया के ऊपर से गुजर के जाती है। ये पॉइंट वो सामने पॉइंट है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जोन कर। टाइम की कमी की वजह से मैं तो वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से ही आपको दिखाऊँगा। ये दरिया के साथ बड़ा ही प्यारा, बहुत ही प्यारा पॉइंट है। ये तफरी के हवाले से बहुत ही प्यारी जगह है। तो फिर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मज़ीद पॉइंट्स को तलाश करते हैं। लेट्स गो। अभी हम मुसाफराबाद से पीछे हैं, तकरीबन 16 किलोमीटर लगेंगे हमें। 16 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, उसके बाद हम जाके मुजफ़राबाद पहुंच सकेंगे, मुजफ़राबाद शहर। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं धोलाई पे मौजूद हूँ, जगह का नाम है धोलाई। ये मुजफ़राबाद से तकरीबन 14-15 किलोमीटर पीछे है। तो ये पॉइंट है आबशार कश्मीर। आबशार कश्मीर पे मैं पहुँचा हूँ। ये पीछे मेरे आप बैक साइड पे आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा, तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे ज़रूर आएँ। वक्त की कमी की वजह से, और साथ फैमिली भी है, बच्चे हैं, ऊपर से बारिश भी आई हुई है और मोटरसाइकिल पर, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। जिन्हें मैं आपको सामने लेके जाता हूँ, आपको साथ जा रहा, मैं वक्त की कमी की वजह से आपको यहाँ पर घूम सकता हूँ। ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में बैठ के सामने पॉइंट पे जाते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट है वो, सामने आबशार है, कश्मीर आबशार के नाम से मशहूर है। आप देख सकते हैं ये दरिया, लिफ्ट में बैठ के जाना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। ये है जी कश्मीर आबशार। और ये छोटा सा बाज़ार भी है।
आगे भी बढ़ी। यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे मुजफ्फराबाद शहर है, यहाँ पे हमने बैठ के खाना वगैरह खाए बच्चों के साथ, बड़ा ही मज़ा है। तो ये मेरी ज़िंदगी के बहुत ही कीमती लम्हात हैं। ये शहर की दरिया है और 5 किलोमीटर के आगे मुजफ्फराबाद शहर है, जहाँ से वहाँ पर जाके वहाँ की भी मैं आपको सैर करूँगा और वहाँ के बारे में भी बताऊँगा। ये नीचे दरिया वगैरह आप देख लें, दरिया के किनारे बच्चों के साथ खाना खाया, बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद शहर में दाखिल हो चुका हूँ, जो कि आज़ाद कश्मीर का दारुल खिलाफा है। और इस वक्त मैं एक बड़े हॉस्पिटल के सामने से जा रहा हूँ। ये एक छोटा सा दरबार भी है यहाँ पे। और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में पहुंच चुका हूं। ये आपको आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद सुप्रीम कोर्ट नज़र आ रहा है, और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गुज़र रहा हूं। ये सामने आपको पुल नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही मशहूर पुल है मुजफ्फराबाद का, क्योंकि मैंने आगे जाना है सीधा, लेकिन यहाँ पर मैं रुकूँगा और आपको कुछ मालूम भी दूंगा इसके मुताबिक। इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद शहर में पहुंच चुका हूं। मुजफ्फराबाद बहुत ही प्यारा इलाका है सैर और तफरी के हवाले से। ये सामने आपको मुजफ्फराबाद का मशहूर पुल नज़र आ रहा होगा, और ये दरिया है जो रोड के साथ साथ ही जाता है, और ये मकबूज़ा कश्मीर से आ रहा है। और सबसे मज़े की जो बात है, ये दरिया रोड के साथ साथ ही जाता है और इसी के साथ रोड जा रही है। सैर और तफरी के हवाले से मुजफ्फराबाद भी बहुत ही खूबसूरत इलाका है। सैयाह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये सामने लारी अड्डा है, यानी कि ये पुल क्रॉस करके लारियट की तरफ जाया जा सकता है। उस तरफ मशहूर सरकार साईं शेरी सरकार का मज़ार भी है, जिसके मतलब मैंने वीडियो बना ली है, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे साईं शेरी सरकार की वीडियो भी मौजूद है, तो आप वो भी ज़रूर देखें। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत इलाका है। सैर और तफरी के हवाले से बहुत ही इंजॉय करते हैं।
दो महल है, इसको दो महल कहते हैं। और यहाँ से साइंस सहेली सरकार के दरबार का रास्ता है, यहाँ से ही गुजर के जाना पड़ता है। यहाँ पे दो दरिया आपस में मिलते हैं और साइंस सहेली सरकार के दरबार के मतलब इस दरिया के मतलब मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं। ये दो महल भी बहुत ही मशहूर है। अब मैं आपको मज़ीद आगे लेके जाऊंगा। लेट्स गो। मौसम ख़राब होने की वजह से मैं आपको मज़ीद कुछ भी नहीं दिखा सकता क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और मैं बाइक पे हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।